अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आई वाज सो बिजी इन माय एग्जाम दीज डेज के मैंने बीच में बिल्कुल ही वीडियो बनाना छोड़ दी थी। खैर, आई एम बैक और अभी हम जा रहे हैं खाना वगैरह खाने, सो लेट्स गो। पाँच मिनट की ड्राइव के बाद हम वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाके हम लोगों ने बैठे और ऑर्डर वगैरह किया। मैंने हर एक एक चीज़ रिकॉर्ड की थी, पता नहीं वो कैसे मेरे से सब क्लिप्स जो हैं वो डिलीट हो गए। खैर, फिर हम लोगों ने ऑर्डर वगैरह किया, चीज़ेस गए थे हम लोग क्योंकि मैकडोनल्ड्स और KFC अवॉइड कर रहे थे। एक क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा हम लोगों ने ऑर्डर किया था, इनका क्रंची पास्ता ऑर्डर किया था और फ्राइज़ किए थे। चीज़ेस एक रावलपिंडी इस्लामाबाद बेस्ड जो है वो एक रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा है इनका पिज़्ज़ा है। और फिर उसके बाद खा पी के हम लोग वापस घर की तरफ गए। इन लोगों ने रोड के दरमियान में गोल गोल चक्कर लगाने शुरू कर दिए ताकि हम लोग घर लेट पहुंचे और थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें। फिर घर जाके बैठे, बातें वगैरह की। जख्म दिल तो ढूंढ लिया लेकिन गहरे जख्मों को भरने में फिर जो अंकल आए थे वो घर चले गए और रात को फिर हम मामा बाबा के साथ गए ग्रॉसरी करने में। और मेरा भाई, मेरी दूसरी बहन नहीं गई, हम चारों ही गए। और महीने का जो ग्रॉसरी का हमारा था वो ख़त्म हुई हुई थी, तो वो हम लोगों ने लेनी थी। हम हमेशा से जो ग्रॉसरी है वो गिलानी मार्ट से ही ज़्यादातर लेते हैं, तो फिर हम वहीं गए। मामा सबसे पहले जाके उन्होंने जो दालें वगैरह और चीनी वगैरह लेनी होती है उस पोर्शन में सबसे पहले मामा गई और वो सारी चीज़ें ली। सबसे मुश्किल टास्क होता है चावल डिसाइड करना जो बिरयानी में अच्छा बन जाए, वो एक अजाब होता है ढूंढना। और फिर उसके बाद फिर जाहिर सी बात है बिरयानी मसाला वगैरह भी। फिर हम लोगों ने शाम के कुछ स्नैक्स वगैरह लिए और मैं एग्ज़ाम्स में कॉफ़ी वगैरह बहुत पीती हूँ और मैंने कॉफ़ी ली फिर अपने लिए। बल्ब्स, लाइट, ये घर की छोटी मोटी चीज़ें, ये मेरे बाबा का फेवरेट कॉर्नर है, यहाँ पे हमेशा जाते हैं। फिर मैंने एक कॉटन दूध का उठाया और नीचे वाले पोर्शन में हम गए, यहाँ पे शैम्पूज वगैरह सब कुछ होते हैं। तो मैंने कैमरे में भी पंगा लिया, फिर स्टेशनरी की कुछ आइटम्स लेनी थी और फिर हम लोगों ने सारे सामान जो है वो करवाया बिल। शोखी मारने के लिए मैंने ट्रॉली पकड़ ली थी लेकिन संभाली नहीं गई, फिर वो भाई को दे दी। खैर, जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि सब बंदे जो यहाँ पे थे वो इसराइली प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर रहे थे। मैंने अपने इर्द गिर्द काफ़ी लोगों को देखा। फिर हम लोग फ्री होने के बाद ये है कि घर वापस जा रहे थे, गाड़ी वगैरह में सामान रखा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, होप यू गाइज इन्जॉयड, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप में से जो लोग जिन्होंने शुरू से मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरी वीडियोस लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।